हेलो एवरीवन, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं वो है नेपोलियन। नेपोलियन मूवी का ट्रेलर आ चुका है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर निभा रहे हैं वाकिन फीनिक्स, जिन्होंने जोकर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके ऑस्कर लिया था। और डायरेक्टर है इस मूवी के एडली स्कॉट, जिन्होंने ग्लैडिएटर, रॉबिन हुड जैसी कमाल मूवीज की है। तो मैं इस मूवी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हम देखते हैं कि जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है वहाँ पर 1973 लिखा होता है और एक औरत को लेकर जा रहे होते हैं जिस पर पत्थर फेंक रहे होते हैं कुछ लोग। ये जो सीन था ये एक्चुअली रियल सीन जो हुआ था 1973 में फ्रांस रेवोल्यूशन के वक्त। और जो औरत दिखाई गई है वो है मैरी एंटोनेट, जो फ्रांस की महारानी थी। फ्रांस रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि लोगों को महसूस हुआ कि हमारे राजा रानी किसी काम के नहीं है, हमारे अधिकार छीन के रखे हैं, गरीबों को गरीब कर रहे हैं और अमीरों को और अमीर। तो लोगों ने बायकॉट कर दिया था। जो उस टाइम राजा था लुई 16, उसको मार दिया गया था। और उसके बाद उसकी महारानी के साथ जो कर रहे हैं 1973 के अंदर, वो ही सीन दिखाया गया है मूवी के अंदर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने सड़क पर पे रखी होती है और सामने से कुछ लोग आ रहे होते हैं, उन्होंने उन लोगों पर फायर कर दिया था। 1975 में इस इवेंट को कहते हैं 13 वेंडामेयर। इस जंग को रोकने के लिए रॉयल फैमिली नेपोलियन से राबता करते हैं और उसे कहते हैं कि हमें इन सब चीजों से प्रोटेक्ट किया जाए। और नेपोलियन इन सब चीजों को रोकता भी है और कामयाब भी होता है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे उस टाइम इटली का कमांडो बना दिया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं नेपोलियन एक पार्टी में जिसमें वो एक लड़की के साथ खड़ा है, उसका नाम जोसफीन है। वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। नेपोलियन अपने सोल्जर में बहुत ही ज्यादा मशहूर था, उसके सोल्जर उसे भगवान मानते थे और उसके हर हुक्म की पैरवी करते थे। हम ट्रेलर में देखते हैं कि नेपोलियन ने अपने सर पर कुछ ताज रखा था। ये एक हिस्टोरिकल सीन है क्योंकि उस टाइम माना जाता था कि किसी बादशाह के सर पर ताज सिर्फ किसी चर्च का सबसे बड़ा पादरी ही रख सकता है। लेकिन नेपोलियन ने इस सोच को खत्म किया और ये बताया कि उससे बड़ा कोई नहीं है, वो खुद ही अपना राजा है, वो किसी के मातहत काम नहीं करता। पूरी ही मूवी का ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त और एपिक है। मैं इस मूवी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। नवंबर 2023 को मूवी रिलीज होगी। नेपोलियन के ऊपर अभी तक बहुत सी मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल मूवी बन रही है जिसमें नेपोलियन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहां पर खत्म हुई।